अक्सर आपने मेरी कहानियों में देखा होगा कि ऊपर वाला आपको कब किसका ऊपर वाला बनाकर कहीं भेज दे, आपको भी मालूम नहीं चलेगा। अक्सर आपने मेरी कहानियों के लास्ट में सुना होगा कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। माय एफएम से मैं हूँ आरजे कार्तिक और जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, जहाँ पर पीछे की तरफ अन्नपूर्णा रसोई है। ये रसोई जो है सरकार की तरफ से ऑपरेट की जा रही है। इसमें 5 रुपये में नाश्ता, 8 रुपये में लंच, 8 रुपये में डिनर मिलता है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, जिनके पास में 5 रुपये, 8 रुपये भी नहीं होते हैं, और ऐसे लोगों की मदद करने के बारे में सोचा जयपुर के फीडिंग हैंड्स ने। ये एक टीम है जिसमें 16 लोग हैं और ये लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, लोगों को साथ में जोड़ना चाहते हैं। किस तरीके से काम होता है आइए देखते हैं। मुकद्दर की तुझसे करूं मैं सिफारिश, जुम्बिशे बाजुओं में भर मेरी गुजारिश। दम बदम हर करूं मेरा, दम हर करूं मेरा। जब मैं वहां से आया था ग्वालियर से, तो सोच रहा था कि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि होटल पे पता नहीं कितने का प्लेट मिलेगा, कितने का खाना मिलेगा। लेकिन यहाँ आकर परमात्मा ने मुझे स्वयं ऐसा भोजन खिलाया है कि जैसे मेरा पेट तरबतर हो गया। तो फीडिंग हैंड्स के बारे में हमने जनता को भी बताया, लोगों को भी बताया। मैं अपनी कहानियों में भी कहता हूँ कि एक दूसरे की मदद करते चलिए। आपका ये आइडिया आया कहाँ से? अब आपके साथ में लोग जुड़ते जा रहे हैं, मुझे मालूम चला कि 3.25 लाख लोगों तक आपने भोजन पहुँचा है। ये आइडिया मैं तो इसको लेके चला नहीं था कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मेरे लास्ट ईयर मेरे फादर का बर्थडे था 12 जनवरी को। मैंने अपने फादर को बोला कि कुछ गरीबों के लिए खाना बनवा के डोनेट करते हैं, खिलवाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बनवाना मुश्किल होता है, लोगों को ढूंढना। तो अन्नपूर्णा का रसोई का सुना है, वहाँ पता कर लीजिए। मैं यहाँ हॉस्पिटल आया, अन्नपूर्णा रसोई का पूछा यहाँ पे। उन्होंने कहा साहब जितना आपको खाना डोनेट करना है उतने आप कूपन्स खरीद लीजिए। मैंने उस दिन का पूरा लंच स्पॉन्सर करा, फादर को ले कर आया, उनसे खाना बंटवाया। यहाँ आकर रियलाइज़ करा कि लोग जो 5 रुपये 8 रुपये हैं वो भी नहीं होते हैं। 2 बार बेचारे पूछते हैं कि ये खाना बिल्कुल फ्री है। तो मैंने फादर को कहा कि हम रोज़ 100 प्लेट फ्री कर देते हैं। तो मैं रोज़ यहाँ आता था, 100 कूपन खरीदता था और खाना फ्री खिलाता था 100 लोगों को। ग्रेजुअली दोस्तों से बात हुई, दोस्तों ने कहा साहब इसको कुछ बड़ा करते हैं, अच्छा कॉज है। सोच विचार हुआ, ये हुआ कि हम अगर अपना खाना बनाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो हम एक अन्नपूर्णा रसोई वैन को हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह ये हमारा ये फीडिंग हैंड शुरू हुआ। आई एम श्योर की बहुत सारी कहानियाँ भी आपको यहाँ पर देखने को मिली होंगी, आपकी टीम जब जुड़ी इस कैंपेन के साथ में, क्या क्या आपने देखा अब तक? अरे साहब, यहाँ पे आप खड़े रहे तो आपको मालूम पड़ता है कि कितना मिजी है यहाँ पे। एक आदमी को हमने खाना दिया, वो खाना खा के खूब फूफू के रो रहा था। हमने पूछा भाई आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा साहब मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, आज मुझे खाना मिला है। मतलब आप सोचिए 5 रुपये के लिए भी आदमी को इतनी दिक्कत होती है, और हम लोग सब इतना खाना वेस्ट करते हैं। अगर हम लोग खाना वेस्ट नहीं करें तो कितना फ़र्क पड़ जाए। एक बार एक सरदार जी थे, वो रोज आते थे और अपनी इच्छा से चम्मच बांटते थे, और उनके कपड़े इतने ऐसे थे कि अगर आप थोड़ा सा भी छू दो तो फट जाएंगे। वो जिस दिन गए उस दिन वो 1000 रुपये दे के गए कि साहब ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, मैंने यहाँ खाना खाया है और लोगों को फायदा हो जाए, इसलिए आप मेरी तरफ से लीजिए। क्या कहेंगे सर भोजन के बारे में, इनकी टीम के बारे में? बढ़िया सर, ऐसे लोगों को और जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना? जुड़ना चाहिए सर इनकी टीम के साथ में, ताकि और लोगों तक भोजन पहुँचे। तो आप देख रहे हैं कितने सारे लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी में एक मुस्कान लाने का, छोटी सी मुस्कान लाने का काम फीडिंग हैंड्स की टीम कर रही है। तो लोगों के हाथ धुलाने से लेकर के उन्हें सिखाने तक कि झूठा नहीं फेंकना चाहिए और उन तक मुफ्त खाना पहुंचाने तक, बहुत सारा काम है जो फीडिंग हैंड्स की टीम कर रही है। आई एम श्योर कि आपके शहरों में भी ऐसा कहीं लोग काम कर रहे होंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं फीडिंग हैंड्स की टीम के साथ में, अगर आप भी नाश्ता स्पॉन्सर करना चाहते हैं, लंच स्पॉन्सर करना चाहते हैं, डिनर स्पॉन्सर करना चाहते हैं, या अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अगर आप जयपुर के आसपास हैं या जयपुर के हैं, तो आइए और जुड़िए फीडिंग हैंड्स के साथ में। एक नंबर है इनका जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, 9829066111, या आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक दूसरे की मदद करते चलिए, जिंदगी में खुशियां बांटते चलिए, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।